नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य के 2.5 करोड़ स्कूली बच्चों की ट्रैकिंग पोर्टल से। बिहार में मॉनसून ने दिया दस्तक। कागजों पर चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर बिहार सरकार सख्त। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत डोमेन स्किलिंग प्राप्त कर बने आत्मनिर्भर। WTC फाइनल के बाद ICC ने लिया बड़ा एक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SECR में ट्रेड अप्रेंटिस के 772 पदों के लिए भर्ती। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न ITI ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप के कुल 772 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई वर्ष 2023 तक निर्धारित की गई है। राज्य के 2.5 करोड़ स्कूली बच्चों की ट्रैकिंग पोर्टल से। अब राज्य के 2.5 करोड़ स्कूली बच्चों की ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस पोर्टल में सभी बच्चों को साल दर साल का आंकड़ा अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों की मध्याह्न भोजन से लेकर शिक्षा विभाग की भी अन्य सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है उसका नाम ई सतीश कोष तैयार है, जिसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी पूरा इतिहास दर्ज रहेगा। मालूम हो कि इस पोर्टल पर सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से जिलों से शिक्षा पदाधिकारियों को 6 से 9 जून तक प्रशिक्षण दिया गया है और अब इनके द्वारा प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों और स्कूल के प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनकी मदद से पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध हो सके। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अमरदीप झा के बारे में। अमरदीप झा एक अनुभवी भारतीय टेलीविजन फिल्म अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं। उनका जन्म 14 जून 1960 को पटना बिहार में हुआ था। इसके बाद वह एक अभिनेत्री के रूप में काम करने के लिए मुंबई चली गई। उन्होंने GTV पर 1997 में भारतीय नाटक सोप अमानत में एक टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी, जहाँ उन्होंने अमित की माँ की भूमिका निभाई थी। अमरदीप ने TV सीरियल्स के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है। 1998 में उन्होंने दुश्मन, ट्रेन टू पाकिस्तान और जख्म जैसे फिल्मों में काम किया। 2001 में उन्होंने हिंदी नाटक फिल्म लज्जा में अम्मा की भूमिका निभाई और फिर उन्होंने सुपरहिट फिल्म देवदास में काली बाबू की मां के रूप में अभिनय किया। एक अभिनेत्री के रूप में अपने अनुभवों के कारण उन्होंने आमतौर पर अपने सह कलाकारों को प्रशिक्षित किया और अभिनय का पाठ पढ़ाया। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक शिक्षिका हुआ करती थी। बिहार में मॉनसून ने दिया दस्तक। बिहार में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। बता दें कि बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। मालूम हो कि बीते दिन 12 जून को बिहार राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन हो चुका है। मॉनसून की उत्तरी रेखा फारबिसगंज अररिया से होकर गुजर रही है। मॉनसून का प्रभाव अररिया, पूर्णिया, कटिहार तथा किशनगंज जिलों में देखने को मिला। सामान्य तौर पर बिहार में मॉनसून 13 जून को प्रवेश करता है, लेकिन इस बार एक दिन पूर्व 12 जून को ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन प्रदेश में हो गया है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज यानी कि 13 जून को राज्य के मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, शेखपुरा, गया और नवादा जिले के एक या दो स्थानों पर लू की संभावना है। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी 107 लोगों की समस्याएं। बीते दिन 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 107 शिकायतें सुनी गई और अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि इस दौरान सहरसा से आई एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि मेरे खेत में कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और अब 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर थाने का चक्कर भी लगाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरभंगा जिले से आए एक युवक ने कहा कि उसकी निजी जमीन की घेराबंदी कराने के लिए वर्ष 2021 अंचलाधिकारी और जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर जिले से आए एक व्यक्ति ने गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी माँ की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन अनुग्रह अनुदान का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इस तरह की कई समस्याएं सीएम नीतीश ने सुनी और उससे संबंधित अधिकारियों को उसे सुलझाने का निर्देश दिया।
कागजों पर चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर बिहार सरकार सख्त। निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कागजों पर चलाए जाने वाले निजी प्रशिक्षण संस्थानों पर राज्य सरकार के द्वारा सख्ती बरतते हुए गृह विभाग के द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आदेश जारी कर कहा गया है कि अब इन संस्थानों की नियमित जांच करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जांच के दौरान जिन संस्थानों में न्यूनतम संसाधन और सुविधाओं की उपलब्धता नहीं पाई जाएगी उन संस्थानों के लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। बता दें कि जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि एक साल में कम से कम दो बार संस्थानों की जांच की जाएगी और जांच में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो लाइसेंस पर समीक्षा की जाएगी। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ 1 जुलाई से पूर्ण तालाबंदी का ऐलान। बिहार में जब से कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षक नियमावली में मुहर लगाई गई है तब से लगातार शिक्षकों के द्वारा इस नियमावली का विरोध किया जा रहा है। वहीं अब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा नियोजित शिक्षकों से अपील की गई है कि वह बीपीएससी का फॉर्म न भरे। संघ की ओर से कहा गया है कि अगर आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे पास करेंगे तो केवल राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा लेकिन आपका वेतन पहले से कम हो जाएगा। सरकार आपकी नियुक्ति नहीं मानेगी और इस आधार पर नया वेतन नहीं देगी। वहीं अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल शिक्षक का दंश झेलना पड़ेगा और ऐसे में अगर किसी अभिभावक के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवा दिया गया कि सरकार हमारे बच्चे को फेल शिक्षक से पढ़वा रही है तो हाईकोर्ट क्या फैसला लेगी यह आप तो खुद समझदार है। सरकार आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ संघ के द्वारा 1 जुलाई को तालाबंदी का ऐलान किया गया है। लखीसराय में नदी से मिली 2000 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित किउल नदी में खुदाई के दौरान एक अष्टधातु की प्रतिमा पाई गई है जिसे पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और साथ ही इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को भी दे दी गई है। बता दें कि इस बात की सूचना जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। एक्सपर्ट की मूर्ति को लेकर कहना है कि यह मूर्ति 2000 साल पुरानी है और यह लोक देवी की मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण रेड स्टोन से किया गया है। हालांकि यह सब कुछ तभी साफ हो पाएगा जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसकी जाँच की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा सभी लोगों से यह भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई और मूर्ति मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में जो कि जसू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और आपको मालूम है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 21 से 391 पोस्टों पर बम्बर भर्ती आ चुकी है। और देखिए इस एग्जाम के लिए ये आपका संपूर्ण गाइड बुक है जो कि आप इस बुक को बाय कर सकते हैं जिसमें आपको 3000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही 500 पेपर देखने को मिलेंगे जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न न्यू सिलेबस है उसी को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। इसके अलावा इस प्रैक्टिस सेट बुक को भी बाय कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस लगाना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए संपूर्ण गाइड बुक है और इसके अलावा अगर आप इस बुक को बाय कर सकते हैं तो यहाँ से आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में हो पाएगा। तो दोनों बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। बिहार के पैक्सों में गठित होंगे कृषक उत्पादक संगठन। बिहार के पैक्स भी अब कृषक उत्पादक संगठन का गठन करेंगे। मालूम हो कि इसके लिए राज्य स्तर पर चयन समिति भी बना ली गई है जिसके तहत पहले चरण में राज्य के 20 जिलों के वैसे 101 प्रखंडों के पैक्स में कृषक उत्पादन संगठन का गठन किया जाएगा जहां कोई अन्य कृषक उत्पादक संगठन कार्यरत नहीं है। हालांकि कृषक उत्पादक संगठन का गठन के लिए पैक्स को कुछ मानकों पर खरा उतरना होगा। बता दें कि एक बार कृषक उत्पादक संगठन का गठन हो जाता है तो पैक्सों को आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में सरकार की ओर से मदद की जाएगी जिसमें प्रबंधन के लिए 3 साल में 18 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा इक्विटी फंड के रूप में 15 लाख तक की मदद दी जाएगी। बता दें कि राज्य के जिस 20 जिलों में कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा उसमें अररिया, बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पटना, सहरसा, सारण, शिवहर और सीवान शामिल है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत डोमेन स्किलिंग प्राप्त कर बने आत्मनिर्भर। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कुशल युवा आत्मनिर्भर युवा बिहार कौशल विकास मिशन के तहत डोमेन स्किलिंग प्राप्त कर बिहार के युवा आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए कोर्स कराई जा रही है। ऐसे में डोमेन स्किलिंग सीखने के इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीयन बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी कोर्स की अवधि, पात्रता तथा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी की जानकारी पाना चाहते हैं तो बिहार कौशल विकास की वेबसाइट www.skillmissionbihar.org पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी IPRD बिहार के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी गई है।
दरोगा से डीएसपी तक को मिलेगी साइबर ट्रेनिंग। राज्य में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस महकमा के द्वारा कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि इसी तैयारियों के तहत राज्य में दरोगा से लेकर डीएसपी तक के पदाधिकारियों को साइबर ट्रेनिंग दिए जाएंगे। मालूम हो कि इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के द्वारा ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। इसके तहत अब तक राज्य में दरोगा से लेकर डीएसपी तक के 4090 पदाधिकारियों को साइबर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी रैंक के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को अलग से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके लिए ईओयू के द्वारा 1 से 5 दिन की ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया गया है और सभी पदाधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से साइबर ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सीजीएल 3 परीक्षा को लेकर छात्र एकता मंच ने बीएसएससी को दी चेतावनी। अब तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विवाद खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि अब एक बार फिर से पारदर्शिता मुद्दे पर इस परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मालूम हो कि छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा कहा गया कि इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को मार्क्स, ओएमआर, उत्तर और प्रश्न कुछ भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन 9 लाख परीक्षार्थियों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें इस परीक्षा में कितना मार्क्स आया, किस प्रश्न का कौन उत्तर आयोग ने सही माना है। परीक्षार्थियों के ओएमआर में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि 9 लाख अभ्यर्थियों की मांग और उनके हित को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स, ओएमआर, उत्तर और प्रश्न ऑनलाइन जारी कर दे। जब बीपीएससी संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी पारदर्शिता के लिए ऐसा करती है तो बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि अगर बीएसएससी 1 सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं करती है तो हमारे द्वारा बिहार के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर से फॉर्म भर सकेंगे विद्यार्थी। अब बिहार राज्य के भी सभी विद्यार्थी कॉमन सर्विस सेंटर से फॉर्म भर सकेंगे। बता दें कि इसके लिए यूजीसी की ओर से राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को निर्देश दे दिया गया है। मालूम हो कि यूजीसी सचिव मनीष आर जोशी के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि इस प्रक्रिया का पालन किया जाए। इसके साथ ही सीएससी की ओर से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने को कहा है। मालूम हो कि वर्तमान में देश की सभी ग्राम पंचायतों में मंत्रालय के 5 लाख सामान्य सेवा केंद्र डिजिटल डिलीवरी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अब सीएससी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इससे कॉलेजों में नामांकन को लेकर फॉर्म भरने, सर्टिफिकेट अपलोड करने, शुल्क भुगतान करने, एडमिट कार्ड अपलोड करना, ऑनलाइन प्रवेश प्रबंध प्रणाली की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे छत्रिया कुंड तीर्थ के बारे में। छत्रिया कुंड तीर्थ जमुई जिले में घूमने वाली एक प्रमुख धार्मिक स्थल है या जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपको महावीर स्वामी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह जमुई जिले में सिकंदरा तहसील में स्थित है। यहाँ पर आपको महावीर स्वामी जी की काले रंग की बहुत सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस जगह के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था और उनका यहाँ पर दीक्षा और कल्याणक भी हुआ था। यहाँ पर आपको जैन धर्म का एक और प्रसिद्ध मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चारों तरफ पहाड़ी देखने के लिए मिलते हैं। आप पहाड़ी रास्ते से होते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर महावीर स्वामी जी के दर्शन करते हैं। यह जगह प्राकृतिक और धार्मिक तौर पर प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरा मार्बल से बना हुआ है और यहाँ पर नक्काशी की गई है जो देखने लायक है। आयुष्मान योजना से ट्रांसजेंडरों का इलाज कराएगी बिहार सरकार। केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में अब बिहार सरकार के द्वारा राज्य में ट्रांसजेंडरों यानी कि थर्ड जेंडरों का भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत वे अपना लिंग भी परिवर्तन करवा सकते हैं। मालूम हो कि थर्ड जेंडरों के इलाज के लिए बिहार सरकार के द्वारा ऐसे अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अलंकृता पांडे की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयुष्मान योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को व्यापक रूप से स्वास्थ्य लाभ देने का निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी ट्रांसजेंडरों को प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी के 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। शिक्षकों की उपस्थिति पर वीसी के जरिए होगी निगरानी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग काफी सक्रिय नजर आ रही है। बता दें कि अब शिक्षकों की उपस्थिति और उनके रूटीन को फॉलो करने के लिए विभाग की ओर से वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों की भी उपस्थिति वीसी के माध्यम से ही दर्ज होगी। इसके साथ ही शिक्षकों की निगरानी के लिए शिक्षा अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मालूम हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कुल लागत 9 लाख रुपए की आने वाली है। बता दें कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों के निरीक्षण के लिए शिक्षक और पदाधिकारियों को वीसी से प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे और शाम 6 बजे जोड़े।
राज्य के 2005 निजी स्कूल 60 लाख बच्चों को लौटाएंगे उनके फीस। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा बिहार के 2005 निजी स्कूलों के यू-डैश कोड को रद्द कर दिया गया है, जिससे कि अब स्कूलों की CBSE और ICSE की मान्यता भी खत्म हो जाएगी, यानी कि अब ये 2005 स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं अब इन स्कूलों को सभी नामांकित बच्चों की फीस भी वापस करनी होगी। बता दें कि इन स्कूलों के द्वारा 60 लाख बच्चों को उनके फीस लौटाए जाएंगे। वहीं इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साल बर्बाद न हो जाए, इसलिए उन बच्चों का नामांकन राज्य के सरकारी स्कूलों में करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही स्कूल हैं जिन्होंने यू-डैश कोड में बच्चों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई थी। इसके साथ ही परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि इन स्कूलों पर नजर रखी जाए, जिससे ये स्कूल आगे किसी भी बच्चे का नामांकन न ले पाए और अभिभावकों को गुमराह न कर सके। पीएम के चेहरे को लेकर ललन सिंह के बयान पर बोले सुशील मोदी, बिहार में एक बार फिर सियासत इस चीज को लेकर तेज हो गई है कि 2024 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक तरफ जहां जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा कहा गया था कि चुनाव में जीतने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहीं अब ललन सिंह के इस बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया है कि जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तय होना चाहिए, बिना दूल्हे के बारात किसी को स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कि बारात निकल गई है और लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की का चेहरा देखने के बाद यह तय हुआ कि दूल्हा कौन है। जेडीयू के लोगों को डर है कि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, अगर हिम्मत है तो विपक्ष पीएम उम्मीदवार का नाम तय करे। मंत्री सुमित सिंह पर भड़के सीएम नीतीश। बीते दिन सोमवार को बिहार के राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नव नियुक्त सहायक प्रधानाध्यापक व्याख्याता का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं इस मौके पर नीतीश कुमार के द्वारा सभी को मंच से संबोधित करने के दौरान मंत्री सुमित सिंह पर भड़क गए, जो पास में बैठे अधिकारी से बातचीत कर रहे थे। सीएम नीतीश ने कहा कि अरे आपस में बात कीजिएगा कि सुनिएगा भी, आपसे मैं बतिया रहे हैं, बगले में बतियाते रहते हो, जरा बात तो समझिए, तेजी से जरा काम कीजिए, आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तोड़े पिता कौन थे, मेरे दोस्त थे ना जी, मेरे साथ ही ना थे, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम करिए, सब कोई कम उम्र का है, यहाँ हम लोग का 73वां न चल रहा है जी, आप लोगों तो कम उम्र वाले हो और बगल वाले ज्यादा उम्र वाले से बतिया रहे हो, जो भवन निर्माण का काम बचा हुआ है उसे जल्द से जल्द कराइए। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर हमला। चुनावी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार रोजगार के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। राज्य में उद्योग इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इस राज्य में खनिज नहीं है। आज देश में TCS और इंफोसिस जैसी कंपनियां लाखों लोगों को जॉब देती है, इन्हें खनिज नहीं चाहिए, तो क्या हम बिहार में ऐसी IT कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए नहीं बुला सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पढ़े लिखे आदमी होकर कभी कभी हंसने वाली बात करते हैं, बोलते हैं यहाँ समुद्र नहीं है, पटना में सॉफ्टवेयर पार्क खोलते हैं तो इसके लिए समुद्र का क्या लेना देना, तेलंगाना में समुद्र नहीं है लेकिन आज वहां कर्नाटक के बाद देश में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा IT पार्क खुल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में भी समुद्र नहीं है पर इसके अलावा वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। जनता को बड़गलाने के लिए हर 2 साल बाद कुछ न कुछ बोल देते हैं। WTC फाइनल के बाद ICC ने लिया बड़ा एक्शन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में भारतीय टीम को 209 रनों से बड़े अंतर से मिली हार के बाद ICC के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल ICC के द्वारा स्लो ओवर रेट के लिए भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर ठोस एक्शन लिया गया है। भारतीय टीम ने निर्धारित समय में 5 ओवर कम फेंके थे, जिसको लेकर ICC ने टीम इंडिया पर 100% का जुर्माना ठोक दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम पर 80% मैच फीस का फाइन लगाया गया है। इसके अलावा चौथे दिन के खेल में शुभमन गिल दूसरी पारी के दौरान स्कॉट बोलन की गेंद पर स्लिप में कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट हो गए थे। गिल के कैच पर काफी विवाद भी हुआ था। ऐसे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई थी। इस मामले पर अब ICC ने शुभमन गिल पर एक्शन लिया है। उन्होंने शुभमन गिल पर कुल 115% मैच फीस का फाइन लगाया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। जलाउद्दीन फिरोज शाह 1420 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को 1940 में लंदन में फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की। क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 1869 में हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 1923
2023 में हुआ। तीसरे सप्तक की एकमात्र कवित्री कीर्ति चौधरी का निधन 2008 में हुआ। प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का निधन 2012 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का निधन 2016 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक संदेश में पीएम मुद्रा योजना के तहत 20,55,000 रुपए का ऋण देने का दावा किया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज फर्जी है, ऐसे किसी भी संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें। अपने बैंकिंग व्यक्तिगत विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल एसएमएस का जवाब न दें। एफबी इंस्टा की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलेगा ये फीचर। इमोजी रिएक्शन आजकल काफी फेमस है, ऐसे में अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरह रिएक्शन फीचर वर्ड में भी देने जा रहा है। यदि किसी फाइल में कमेंट फीचर को ऑन किया गया है तो यूजर्स कमेंट पर इमोजी के जरिए रिएक्ट कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक फिलहाल कंपनी एक ही अंगूठे या लाइक वाला इमोजी ऐप पर देगी। विंडोज सेंट्रल के अनुसार फिलहाल ये अपडेट वर्तमान चैनल यूजर्स के लिए वर्जन 2305 या इसके बाद के वर्जन के लिए जारी किया गया है। रिएक्शन फीचर पहले से ही वेब और बीटा चैनल यूजर्स के लिए उपलब्ध है। वर्ड में किसी भी फाइल में प्रतिक्रिया देने के लिए यूजर्स को सबसे पहले फाइल को खोलना होगा और कमेंट ऑप्शन में क्लिक कर ऊपरी दाएं कोने में लाइक बटन पर क्लिक करना होगा। बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा से जुड़ा अहम नोटिस जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर एक अहम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि जो जारी की गई थी वह 9 जून 2023 से 27 जून 2023 तक छापा गया था, जो कि टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत छापा गया है, लेकिन अब स्टेट को ही पढ़ा व समझा जाए। बता दें कि नोटिस में यह भी बताया गया है कि नोटिफिकेशन की बाकी शर्तें व निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मालूम हो कि सीजीएल प्री परीक्षा के परिणाम 31 मई 2023 को घोषित किए गए थे, जिसमें कुल 11,240 अभ्यर्थी सफल हुए थे। बीते दिन मदरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मदरा पूछे के सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अमरजीत यादव, रंजीत मिश्रा, नुनू गोलू कुमार, चंदन कुमार, राम विनोद सैनी, शंकर मुखिया, नरेश राम, विकास जायसवाल, विजय कुमार मंडल, उमेश ऋषिदेव, उपेंद्र आम्बेडकर, प्रयाग सिंह, मोहम्मद असलम, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाला नेता कौन है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।